भविष्य की चिंता अगर किसी देश को सबसे ज्यादा अभी सता रही है तो वो है चाइना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अगले समाचार में आप समझ जाएंगे। अब बात चुकी हम उस कोरोना की कर रहे हैं और कोरोना की बात होगी तो चाइना का जिक्र खुद ब खुद हो जाएगा। जो चाइना में अभी कोरोना जिस तरह से लगातार यहां पर बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है वो अपने आप में चाइना के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। पूरी दुनिया आज कोरोना के संकट से उबर चुकी है लेकिन चाइना में कोरोना से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। दवाइयों की कमी हो गई है, अस्पताल पूरी तरह से कोरोना पीड़ितों से भर चुके हैं, स्टेडियम को अस्पताल और टेस्टिंग सेंटर बना दिया गया लेकिन फिर भी हालात संभल नहीं रहे। चाइना की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार कोरोना प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से चाइना में कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। दरअसल चाइना की सरकार ने आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर के बाद से अभी तक कोविड से किसी भी मौत की सूचना को जारी नहीं किया है और 7 दिसंबर को ही चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ देश भर में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रतिबंध को हटा लिया गया था। मौत पर चाइना सरकार के दावे के उलट हालात बेहद खराब है। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो चाइना में अंतिम संस्कार के लिए लोगों के इंतजार वाली लंबी लाइनों की देख रहे हैं। ये स्थिति है अभी चाइना में। अब सर्दी शुरू हो चुकी है और ये देखिए कतार। इसलिए हम कह रहे हैं कि चाइना की स्थिति अभी बहुत ही ज्यादा गंभीर है और वहां कोविड एक इतनी बड़ी चुनौती बन चुकी है जिसे निपटने के लिए जो भी पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई उसका भी विरोध हुआ और सरकार उनके सामने कहीं ना कहीं हारती नजर आ रही है। ये तस्वीर तो आपने देख ली, स्थिति भी देख ली लेकिन जानकार ये मानते हैं कि चाइना में कोरोना के हालत और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। चाइना में अगले वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामले पीक पर आएंगे और IHMI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के अनुसार अप्रैल तक चीन की एक तिहाई जनसंख्या को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। IHMI ने यह अनुमान चाइना के राज्यों और हांगकांग में हुए ओमिक्रॉन के आंकड़ों के जरिए लगाया है और चाइना अपने यहां होने वाली मौतों की संख्या को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, इसलिए हांगकांग के आंकड़ों में इस रिसर्च में इस्तेमाल उसे नहीं किया गया है। इसके अलावा वहां वैक्सीनेशन की दर को भी इस रिसर्च में जोड़ा गया है। कोरोना को लेकर वैज्ञानिक डावू ने भी दावा किया है कि इससे 10 लाख लोगों की मौत होगी। वैज्ञानिक डावू के मुताबिक चाइना में कोरोना से 60% आबादी और 84 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे और वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि अभी चीन में संभावित 3 लहरों में से पहली लहर चल रही है। इसके बाद दूसरी लहर जनवरी महीने में आएगी और अभी चाइना में एक हफ्ते का साल का पूरा सेलिब्रेशन चलता है जिसमें लाखों लोग देश में ट्रेवल करते हैं और ऐसे में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है, जबकि तीसरी लहर फरवरी के अंत में या फिर मार्च के मध्य तक चलेगा क्योंकि लोग छुट्टी के बाद काम पर लौटेंगे। ऐसे में चाइना की करीब 60% जनता कोरोना से संक्रमित होगी और जब कोरोना पीक पर रहेगा उस समय सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग संक्रमित होंगे। रविवार को चाइना में कोरोना के करीब 2100 नए मामले सामने आए और चाइना में बीते दिनों लॉकडाउन के खिलाफ भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद लॉकडाउन के सख्त प्रतिबंधों को हटा लिया गया था लेकिन इससे वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे और आने वाले दिनों में नए साल की छुट्टियों के दौरान ये और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि चाइना का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यानी हर किसी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, वैक्सीन के सभी को डोज लग चुके हैं, चाइना यह दावा कर रहा है। मगर 80 साल की उम्र से ज्यादा के लगभग 50% लोगों का भी पूरा वैक्सीनेशन हुआ है, यह जानकारी भी है, जबकि गंभीर इंफेक्शन का सबसे ज्यादा डर इन्हीं बुजुर्गों को है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रहे हैं कि वहां बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं क्योंकि उनको वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। काफी लोगों को वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है और चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई के स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। अब आपको चाइना में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात पर एक रिपोर्ट देखनी चाहिए।
避免不了吧，应该是，该得就得了，然后得完好不好也是看个人身体素质嘛，对不对？我们尽可能就是不传播给老人和孩子，只能这样说。这个害怕也没办法，这个因为这个，现在这个国家放水，这个也这么个，没有什么害怕的。死亡那就是你，这个你岁数到那都到那个地方了，也没办法。कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे, और आज कुछ चाइना में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए चाइना खुद जिम्मेदार है। ये लगातार चाइना पर आरोप लगता रहा है और चाइना के वुहान लैब से कोरोना के दुनिया भर में फैलने का लगातार दावा किया जाता रहा है। आप पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना संकट से अगर जूझते किसी को देख रहे हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार चाइना को बताया गया। सभी जगह जनजीवन हालांकि अब सामान्य हो चुके हैं, जबकि चाइना में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और वर्ष 2023 में जब पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी, चाइना कोरोना के सबसे बड़े खतरे का सामना करेगा, और यह चाइना के लिए सबसे बड़ा सबक है।